हेलो फ्रेंड्स, मैं नंद विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सागन जंक्शन रेलवे स्टेशन का अपडेट लेकर के आ चुके हैं। जो न्यू ट्रैक बिछाने का कार्य है वो पूरा टिकट काउंटर तक कार्य कम्प्लीट कर लिया गया है और जो नया फुट ओवरब्रिज बना हुआ है उस पर पूरी तरीके से लाइटें लगाने का कार्य कम्प्लीट कर लिया गया है और जस्ट उसके बैक साइड में जो कैप बचा हुआ है तो बहुत ही जल्द उस पर भी न्यू ट्रैक बिछाने का कार्य किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो लेट ना करते हुए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सागन जंक्शन के रेलवे क्रॉसिंग के पास और यहाँ पर जो न्यू ट्रैक बिछाने का कार्य था वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है ब्रिज तक। फिलहाल ये रहा न्यू ट्रैक और जस्ट इसके बगल में भी एक और नया ट्रैक बिछाया गया है। फिलहाल आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं न्यू ट्रैक कहाँ तक बिछा दिया गया है। जो पूरा टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर तक न्यू ट्रैक को बिछा दिया गया है। तो ये वाला ट्रैक यहाँ से समाप्ति का है, बगल में एक और ट्रैक बिछाया गया है नया। तो ये जो आपको ट्रैक दिख रहा होगा ये ट्रैक पूरा टिकट काउंटर तक बिछाया गया है। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। फिलहाल जो नया फुट ओवर ब्रिज है, नए फुट ओवर ब्रिज पर काफ़ी तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। हमारा एक नया फेसबुक पेज है, आप लोग चैनल पर विजिट करके हमें फॉलो करिए, वहाँ पर भी हम आपको नए नए अपडेट देते रहते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था यहाँ पर कुछ शेष कार्य किए जा रहे थे, फिलहाल वो कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। जो नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उस पर भी कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है और जो प्लेटफॉर्म संख्या एक के बैक साइड में है, नई बिल्डिंग पर काफ़ी तेज़ी से दीवारें और पिलर तैयार किए जा रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कहां तक कार्य कंप्लीट कर लिया गया है। फिलहाल अभी हम टिकट काउंटर के पास आ चुके हैं और इसका ट्रैक का यहां पर समाप्ति है और यहां पर जो है बिजली के खंभों को निर्माण कार्य करने के लिए यहां पर कुछ खंभे नए लगाए गए हैं। यहां पर भी एक ट्रैक बिछा हुआ है। और अभी प्लेटफॉर्म संख्या दो पर ताप्ती गंगरा एक्सप्रेस आ चुकी है। ये जो पुराना वाला टिकट काउंटर है और जस्ट इसके पास में भी कुछ खुदाई का कार्य किया जा रहा है, जब इस पर कार्य होगा तो हम आपको नेक्स्ट अपडेट में दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से कार्य यहाँ पर भी किए जा रहे हैं और अभी हम प्लेटफॉर्म संख्या एक के बैक साइड में हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं नई बिल्डिंग का कार्य। तो अभी हम प्लेटफॉर्म संख्या एक के बैक साइड में है और यहाँ पर नई बिल्डिंग का कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। ये रहेंगी कई सारी मशीनें और इसके ऊपर से जो है अभी ढलाई का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल इस पर काफ़ी तेज़ी से वर्क किए जा रहे हैं। नई बिल्डिंग पर इधर के साइड में दीवारें अभी तैयार की जा रही हैं, इसके साथ ही अंदर जो है बांस बल्लियाँ लगाई गई हैं और पिलर भी काफ़ी तेज़ी से इस पर तैयार किए जा रहे हैं। एक झलक हम आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं नई बिल्डिंग का। तो अभी हम नए फुट ओवर ब्रिज के पास आ चुके हैं। नया फुट ओवर ब्रिज लगभग आधा से ज़्यादा कार्य कंप्लीट कर लिया गया है। फिलहाल अभी हम इसके ऊपर चढ़ते हैं, दिखाते हैं क्या क्या कार्य आगे किए गए हैं और ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है नीचे से। तो अभी हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं और आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। ऊपर से भी हम आपको प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2, 3 का व्यू दिखाएंगे। फिलहाल ये सीढ़ी पूरी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लिया गया है, काफ़ी तेज़ी से इस पर कार्य किए जा रहे हैं। और ये शेड पूरी तरीके से छा दिया गया है। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था उस टाइम जो है लाइटें लगाने का कार्य किया जा रहा था,
ये लाइटें यहाँ पर कुछ लगाई गई हैं, तो लाइट लगाने का कार्य यहाँ तक कंप्लीट कर लिया गया है। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और कितने कार्य हो रहे हैं चलकर आपको दिखाते हैं। और ये जो सीढ़ी आपको दिख रही होगी, ये प्लेटफॉर्म संख्या एक को जोड़ती है और इस पर भी लाइटें पूरी तरीके से लगा दिया गया है। और अभी बारिश हो रही है तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से लाइटें लगाने का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है। और ये जो आपको सीढ़ी दिख रही होगी, ये सीढ़ी प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 को जोड़ती है। इस पर भी सीढ़ियाँ पूरी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लिया गया है। फिलहाल लाइटें हर जगह पर लगा दिया गया है। तो शाहगंज जंक्शन पर काफी तेजी से कार्य किया जा रहा है नए फुट ओवर ब्रिज पर। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। बारिश काफी तेज हो रही है। और ये प्लेटफॉर्म संख्या 6 को जोड़ती है ये सीढ़ी। प्लेटफॉर्म संख्या 1 से अभी फरक्का एक्सप्रेस निकल रही है। और वो रहा नया कर्मचारी भवन, पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुका है। और नए फुट ओवर ब्रिज के यहाँ पर कुछ जालियाँ यहाँ पर रखी गई हैं पेंटिंग करके, तो बहुत ही जल्द नए फुट ओवर ब्रिज पर यहाँ पर लगाने का कार्य किया जाएगा। फिलहाल अभी इसके लिए काफ़ी तेजी से कार्य चल रहे हैं। और ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी बहुत ही जल्द न्यू ट्रैक बिछाने का कार्य किया जाएगा। फिलहाल वहाँ पर कई सारे नए न्यू ट्रैक स्लीपर रखे गए हैं और गिट्टियों को भी पूरी तरीके से बिछा दिया गया है। और वो रहा प्लेटफॉर्म संख्या 6। प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर भी काफ़ी तेजी से वर्क चल रहे हैं। और ये रहा प्लेटफॉर्म संख्या 1, जस्ट इसके बगल में प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर अभी छपरा एक्सप्रेस खड़ी है। जो नया फुट ओवर ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज पर करकटों की छवाई का कार्य हर जगह पर पूरी तरीके से कार्य को कंप्लीट कर लिया गया है। अभी ये 20 मिनट की बारिश में काफी सारा पानी भर गया है। और वो रहा नई बिल्डिंग का कार्य, उस पर काफ़ी तेज़ी से वर्क किए जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन वहाँ पर नए नए दीवारें और ढलाई का कार्य किया जा रहा है। और ये जो नया प्लेटफॉर्म है, नए प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी तेज़ी से वर्क किए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 और 3 की लंबाई काफ़ी बढ़ाई जा रही है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 की लंबाई काफ़ी बढ़ा दी गई है। कई सारे मिट्टियाँ गिराकर उसको समतल कर दिया गया है और चौड़ा किया गया है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म संख्या 1 के बगल में यहाँ पर जो भी एरिया बचा हुआ है, इस पर कई सारी बड़ी बड़ी गिट्टियों को बिछाया गया है और न्यू ट्रैक स्लीपर यहाँ पर हर जगह पर रख दिए गए हैं। तो बहुत ही जल्द इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। टिकट काउंटर तक न्यू ट्रैक बिछाने का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है। तो अब इस पर कार्य किया जाएगा।
तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। फिलहाल अभी हम आपको दिखाएंगे नया प्लेटफॉर्म 6, और ये जो नया प्लेटफॉर्म है इस पर भी काफ़ी तेज़ी से वर्क किया जा रहा है, और जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 की लंबाई काफ़ी बढ़ाई गई है, प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जो आगे की साइड में लंबाई बढ़ाई गई है उस पर अभी पटियों को किनारे किनारे बिछाने का कार्य किया जा रहा है, और यहाँ पर कई सारी नई ढलाई का कार्य किया गया है प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। ये प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2, 3 की लंबाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ाई जा रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सागन जंक्शन रेलवे स्टेशन का दिन प्रतिदिन तस्वीर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी मिट्टियाँ गिरा कर समतल किया गया था, फिलहाल बारिश होने की वजह से यहाँ पर कई सारी यहाँ पर कीचड़ हो गई है। और यहाँ तक पूरा न्यू ट्रैक स्लीपर को यहाँ पर रखा गया है, तो बहुत ही जल्द यहाँ पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और यहाँ से प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर कई सारे नए नए यहाँ पर बिछाने का कार्य किया जा रहा है पटिया, तो यहीं से कई सारे नए नए पटिए यहाँ पर बिछाने का कार्य किया जा रहा है, और इस पर काफ़ी तेज़ी से वर्क किए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। हर जगह पर कहीं न कहीं हर जगह पर कटपटिया यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है, और बिल्कुल प्लेटफॉर्म संख्या 1 के हम पूरे लास्ट छोर पर आ चुके हैं, और ये रहा नया प्लेटफॉर्म। नया प्लेटफॉर्म के भी लास्ट छोर तक बिल्कुल बराबर भी इसके बनाया गया है, और इस पर भी काफ़ी तेज़ी से वर्क किए जा रहे हैं मिट्टी। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर यहाँ पर जो है न्यू ढलाई का कार्य शुरू कर दिया गया है, इसके लिए यहाँ पर किनारे सपोर्ट बनाया गया है और कई सारे यहाँ पर न्यू ढलाई का कार्य किया गया है। तो अभी हम चलेंगे प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर, प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर दिखाएंगे कितने कार्य हो चुके हैं और कितने कार्य अभी शेष बचे हुए हैं। फिलहाल अभी हम आपको दिखा रहे हैं प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3, प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर कितना तक लंबाई बढ़ाया गया है आपको दिखाते हैं। अभी प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर यहाँ पर ढलाई का कार्य शुरू किया गया है, और ये रहा प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3, प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर ढलाई का कार्य अभी शुरू कर दिया गया है। किनारे किनारे से जो है दीवारें उठाने का कार्य किया जा रहा है, और अभी प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर छपरा एक्सप्रेस खड़ी है। अब हम चलेंगे प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर, तो अभी हम प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था यहाँ पर कई सारी न्यू जालियाँ यहाँ पर लगाई गई थी, फिलहाल अभी इस पर पेंटिंग का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था यहाँ पर पेंटिंग का कार्य नहीं हुआ था जालियों पर, और ये जो बोर्ड लगाया गया है नया वाला, तो बहुत ही जल्द इस पर पेंटिंग का कार्य किया जाएगा। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं, और आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं और कितने शेष कार्य हो चुके हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा टिन शेड बनाया गया है, तो बहुत ही जल्द यहाँ पर बैठने के लिए स्थान भी बनाया जाएगा। फिलहाल अभी जो छोटे छोटे टिन शेड हैं प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर हर जगह पर बनाए गए हैं, और ये जो आपको खंभा दिख रहा होगा इन खंभों पर बहुत ही जल्द लाइटें लगाने का कार्य किया जाएगा, और ये खंभा पूरा लास्ट छोर तक हर जगह पर लगाया गया है 15-15 कदम पर। बारिश होने की वजह से काफ़ी फिसलाव हो गया है, और बूथ हर जगह पर बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर यहाँ पर बिल्कुल नया ढलाई का कार्य किया गया है, और अभी हम नए शौचालय के पास आ चुके हैं। नया शौचालय पूरी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लिया गया है, इसके साथ ही ये जो आपको दिख रहा होगा बीच में गैप, तो बहुत ही जल्द इन पर भी ढलाई का कार्य किया जाएगा। फिलहाल ये बिजली के खंभों को लगाने का कार्य किया जा रहा था जिसकी वजह से इसको रोका गया था। प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर विद्युतीकरण का भी कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, और अभी प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर जहां पर मलमूत्र बहता है उसके लिए गड्ढे की खुदाई का कार्य किया गया था,
और उसको पूरी तरीके से अभी कार्य कंप्लीट कर लिया गया है। जस्ट इसके बैक साइड में बनाया गया है शौचालय के। तो अभी शाहगंज बलिया पैसेंजर स्पेशल ट्रेन आने वाली है। फिलहाल अभी यहाँ पर जो शेड बनाया गया है इस पर भी बैठने के लिए सीट बना हुआ नहीं है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। बिजली के खंभे हर एक जगह पर बनाए गए हैं नए नए। ये अभी नया बनाया हुआ है बिजली का खंभा। और जो नालियों का कार्य है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पर भी कई सारे पिलर बनाए गए हैं। आने वाले समय में यहाँ पर भी टीन शेडों का निर्माण कार्य विस्तार किया जाएगा। फिलहाल अभी हम नए फुट ओवर ब्रिज के पास आ चुके हैं। इधर के साइड में पूरी तरीके से जालियों पर पेंटिंग का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है। और अभी छपरा एक्सप्रेस प्लेटफार्म संख्या 2 से निकल रही है। तो अभी हम नए फुट ओवर ब्रिज के पास आ चुके हैं और ये रहा नया फुट ओवर ब्रिज का व्यू। और अभी प्लेटफार्म संख्या 1 पर शाहगंज बलिया पैसेंजर स्पेशल ट्रेन आ रही है और यहाँ पर ढलाई का कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं प्लेटफार्म संख्या 6 के आगे। कितने कार्य हुए हैं आगे चलकर हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो अभी प्लेटफार्म संख्या 1 पर आ चुकी है शाहगंज बलिया पैसेंजर स्पेशल ट्रेन। तो अभी हम लास्ट छोर पर आ चुके हैं और यहाँ पर जितने भी पटियों को तोड़ा गया था इस पर पूरी तरीके से दीवारों का निर्माण कार्य किया गया है और आगे जो है ढलाई वलाई का कार्य किया जा रहा है। तो अभी ढलाई वलाई का कार्य इस पर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।